दोस्तों आज पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के स्टेशन मास्टर ग्रेड पे 4200 लेवल 6 हेतु लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र के भाग ब बी यानी दूसरा भाग डाल रहे हैं, क्योंकि इज्जत नगर मंडल में जो परीक्षा हुई थी वो दो भागों में हुआ था, भाग अ और ब यानी ए और बी। भाग ए में 65 प्रश्न थे जिनमें 60% लाना यानी 39 नंबर लाना अनिवार्य था, और भाग ब में 35 नंबर थे जिनमें 60% लाना यानी 21 नंबर लाना अनिवार्य था, यानी दोनों भागों में अलग अलग 60% लाना अनिवार्य था। तो पहले भाग में मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है जिसको हल करने के लिए कुछ जगह की आवश्यकता होगी, तो इसको दूसरे भाग में डालेंगे। और दूसरा भाग जो है इसे पहले डाल रहे हैं ब को, इसमें कम प्रश्न हैं और सामान्यतः रेल से संबंधित राजभाषा और रेल से सामान्य प्रश्न संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए प्रश्न संख्या एक। पहले प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस वर्ष पहली ट्रेन चली, भारत में किस वर्ष पहली ट्रेन चली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1853 में। भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसमें 400 लोगों के साथ लेकर 34 किलोमीटर के यात्रा की थी। मुंबई में सीएसटी से यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 से। तभी से हम लोग 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है 1853 सी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 पे आ गए दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बना है? तो दोस्तों भारत में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर स्टेशन का है। किसका है दोस्तों? इसका सही आंसर हुआ गोरखपुर। क्यों? क्योंकि जो गोरखपुर का प्लेटफार्म है दोस्तों 1366 मीटर है। कितना लंबा है? 1366 मीटर। इसके पहले खड़गपुर था वो 1072 मीटर है। कितना है खड़गपुर? 1072 मीटर खड़गपुर है दोस्तों, 1072 मीटर। लेकिन वही बिलासपुर को देखा जाए तो मात्र 802 मीटर है। ठीक, कितना है दोस्तों? मात्र 802 मीटर। तो तीनों को देखने से आपको स्पष्ट हो गया कि गोरखपुर जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, 1366 मीटर लंबाई लेकर, 1366.4 लिया है, तो 1366 मीटर लंबाई लेकर के दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। अच्छा, वही भारत में तो है ही है, अगर भारत में दूसरा स्थान में देखा जाए तो केरल में कोलम जंक्शन है, वहाँ 1180.5 मीटर है, और तीसरा स्थान पे खड़गपुर जो 1072.5 मीटर है। ठीक, तो पहला स्थान पे गोरखपुर हो गया 1366 मीटर, दूसरा स्थान पे केरल में कोलम जंक्शन 1180 मीटर, और तीसरा स्थान पे खड़गपुर 1072 मीटर है। यहाँ गोरखपुर सही आंसर हुआ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है, रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड में मात्र 4 सदस्य बने हैं। जो नया सर्कुलर 2019 से बना है उसमें 4 सदस्य होते हैं। पहले 8 सदस्य होते थे, लेकिन अभी मात्र 4 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें पर्सनल और बिजनेस के सदस्य संजय मोहंती को बनाया गया है। तो इसमें अभी रेलवे बोर्ड में मात्र 4 सदस्य गठित किया गया है, चेयरमैन को छोड़ करके। पहले चेयरमैन को छोड़ करके 8 होते थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित हैं? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हुआ वाराणसी। कहाँ स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स? वाराणसी। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। इस बनारसी डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। वही खा नंबर ऑप्शन है कपूरथला। कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। इनकी स्थापना 1986 में हुई थी। लखनऊ में तो RDSO मान लीजिए, विशेष करके प्रसिद्ध जो है RDSO। अच्छा, आगे आ गए चितरंजन। तो चितरंजन में क्या है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है।
चितरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री लोकोमोटिव वर्कर्स हैं, जहाँ की WAP-7, WAP-5, WAG-9, WAG-7, WAG-4 ये निर्माण होता है। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स का, तो ये बनारसी में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए सही आंसर ए नंबर, बनारसी 1961 में। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 70, पूर्वोत्तर रेलवे के किस मंडल में मीटर गेज ट्रेनें चल रही है? तो मात्र और मात्र अभी लखनऊ में केवल चल रही है, क्योंकि पहले तो बनारस में भी फेफना वाला रूट था तो वो भी समाप्त हो गया, केवल लखनऊ में चल रही है, बी नंबर सही आंसर है। तो चलिए आ गए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जबलपुर है। कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, क्योंकि हाजीपुर तो ECR है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। SECR है बिलासपुर, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है, यानी दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ध्यान दीजिए, जबलपुर जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मुंबई मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। तो दोस्तों केवल मुंबई जो है पश्चिम रेलवे के मुख्यालय है, ध्यान रखें, ठीक। यानी कि मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और केवल मुंबई डी नंबर ऑप्शन है, तो वो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ पूछा गया है पश्चिम मध्य रेलवे का, इसलिए आंसर हुआ जबलपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मथुरा क्वेंट कानपुर अनवरगंज खंड कैसा है? तो मथुरा खंड से कानपुर अनवरगंज में इज्जत नगर मंडल के सबसे पहले विद्युतीकृत काम यही शुरू हुआ था, ठीक। कानपुर अनवरगंज से लेकर आप पहले फरुखाबाद तक हुआ, उसी में एक ही साथ थोड़े ही दिन बाद मथुरा खंड तक कर दिया गया, तो ये विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है, तो इसलिए इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिफाइड, विद्युतीकृत, ठीक। अगला प्रश्न है 73 नंबर, कि क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों क्षेत्रीय स्तर, जिसको इंग्लिश में जोनल कहते हैं, जोन जोन क्या हिंदी होता है क्षेत्रीय, तो जोनल लेवल पे PCOM, ठीक, कौन होता है दोस्तों? PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, इसलिए इसका सही आंसर है ए नंबर, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 है, कि भारत में रेलवे खाली स्थान यानी किस एवं यात्री का परिवहन परिवहन का प्रमुख साधन है? तो देखिए दोस्तों, माल एवं यात्री के परिवहन का प्रमुख साधन है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर, कहता है कि वाणिज्य विभाग का कार्य क्या है? तो दोस्तों वाणिज्य विभाग का कार्य परिवहन के बिक्री भी है, यातायात का विकास भी है, जनसंपर्क बनाए रखना भी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, क्योंकि वाणिज्य विभाग का काम परिवहन के बिक्री, यातायात का विकास, जनसंपर्क बनाए रखना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में संगठित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखें कि भारतीय रेलवे को इस क्वेश्चन के अनुसार 16 हम लोग आंसर लगा रहे हैं, परंतु अभी 18 जोन हो चुका है, ठीक। ये जो है पहले से क्वेश्चन उठाई गई है, तो इसको गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन का अधिकतम ऑप्शन है उसे हम आंसर कभी रहा है तो मार सकते हैं। तो 16 जोन रहा था, उसके बाद मेट्रो कलकत्ता का बना था, उसके बाद विशाखापत्तनम बना था 18वां जोन, यानी पहले 16 था, फिर 17वां बना था मेट्रो रेलवे कलकत्ता, 18वां बना था विशाखापत्तनम, ठीक। तो हम तो 18वां 2019 में बना, चूंकि ये पुरानों किताबों से सेट किया गया हो, या जान बुझ करके जो 16 जोन है उस समय से क्वेश्चन को रखा गया हो, तो यहाँ 16 अधिकतम है, इसलिए आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ यदि 17 और 18 होता तो 18 ही आंसर होता, क्योंकि 18 जोन हो चुका है, विशाखापत्तनम 18 नंबर पे है, 17 नंबर पे कलकत्ता मेट्रो है, ठीक। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को। 77 है कि भारतीय रेलवे में भारतीय अर्थव्यवस्था का
खाली स्थान है का क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का यह जीवन रेखा है। क्या है दोस्तों? ये रेलवे का स्लोगन है ना कि भारतीय रेलवे जीवन रेखा है, जो है तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा, यहाँ सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न 78 नंबर, मंडल रेल प्रबंधक खाली स्थान का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों मंडल रेल प्रबंधक है तो ये मंडल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। कहाँ का? मंडल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अच्छा ध्यान रखें दोस्तों, इज्जत नगर मंडल में कितने क्रॉसिंग स्टेशन है? 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इज्जत नगर मंडल में कितने क्रॉसिंग स्टेशन हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसे रेल द्वारा 87 आंसर दिया गया है, परंतु अभी तक शायद 88 हो चुका है, इसलिए सही आंसर 88 होगा। ठीक, अगली प्रश्न, ऐसे इसको कंफर्म कर लेना। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों भारतीय रेलवे में अभी वर्तमान में ध्यान रखें कुल 73 मंडल हैं, जो विशाखापट्टनम में गुंटूर और गुंटाकुल बना है, तो उसमें 4 विजयवाड़ा गुंटूर गुंटाकुल, ठीक ना, गुंटूर गुंडाकुल विशाखापट्टनम विजयवाड़ा 4 मंडल है। लेकिन यदि गुंटूर और गुंडाकुल का संचालन यदि एक स्थान से मान के चलते हैं स्टार्टिंग में, तो भी 72 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी जहाँ तक काउंटिंग की जाती है तो सभी मान के, जब 68 था पहले, 68 में 4 बढ़ गया विशाखापट्टनम के, कौन कौन? गुंटूर गुंडाकुल विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, तो कुल मिला के 72 हुआ, 68 4 72, और एक और डिवीजन कहीं बड़ा है, कुल मिला के 73 मंडल हैं। ठीक, अगर यदि 68 के बाद 4 बढ़ा मानते हैं तो भी 72 होगा, परंतु वर्तमान में हमारे जानकारी के अनुसार 73 हैं। ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन 72 से कम नहीं, 68 जब था विशाखापट्टनम बना तो 72 हो गया। अच्छा, चूँकि मेट्रो में लाइन 1 और लाइन 2 करके हैं, ठीक, मेट्रो रेलवे कलकत्ता में, उसको एक मान ले तो भी 73 हो जाएगा। कुल 73 मंडल अभी वर्तमान में है हमारे जानकारी के अनुसार। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच मानक दूरी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच मानक दूरी 1676 mm है। अगर mm में लिखे इसको तो 1676 mm होता है, परंतु यदि मिलीमीटर में, यानी 1676 मिलीमीटर, लेकिन अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 167.6 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखें तो 1.676 मीटर होता है, 1.676 मीटर होता है। अगली प्रश्न आ गए क्वेश्चन नंबर 82, अनुमोदित विशेष संदेश किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो दोस्तों अनुमोदित विशेष संदेश मुख्य संरक्षा आयुक्त यानी CRS द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? CRS द्वारा, मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा, CRS द्वारा। CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, हिंदी होता है मुख्य संरक्षा आयुक्त। तो विशेष अनुमोदित विशेष अनुदेश जो है, अनुमोदित विशेष अनुदेश, ये CRS द्वारा होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा मुख्य संरक्षा आयुक्त दिया था। परंतु केवल विशेष अनुदेश होता तो CO में आंसर हो जाता, यानी प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक सी नंबर हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ अनुमोदित विशेष अनुदेश है, इसलिए CRS आंसर होगा मुख्य संरक्षा आयुक्त, ठीक, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अच्छा अगला प्रश्न आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर रेलवे का प्राधिकृत अधिकारी है कौन है? तो प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी PCOM, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, PCOM का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, हिंदी में प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक होता है। तो इसका सही आंसर हुआ ए नंबर, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक। अगले प्रश्न, सामान्य नियम में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है, सामान्य नियम में कितने अध्याय हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है 18, सामान्य नियम में 18 अध्याय। अगले प्रश्न SWR, ठीक, का फुल फॉर्म क्या है? खाली स्थान दिया हुआ है,
कि SWR जो है था फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेशन वर्किंग रूल होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेशन वर्किंग रूल। अगले प्रश्न 86 नंबर, कॉलिंग ऑन का पहचान क्या है? तो दोस्तों कॉलिंग ऑन सी से कॉलिंग सी से कॉल मान लीजिए, तो कॉलिंग ऑन पे सी मारकर, याद करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि सी से कॉल यानी कि याद हो जाएगा, ठीक ना। यानी कॉलिंग मार्कर पे कॉलिंग ऑन का पहचान है कि सी मार्कर लगा रहता है। अगली प्रश्न हो गए 87 नंबर, 87वां प्रश्न है दोस्तों, दुर्घटनाओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है 16 वर्ग में। देखिए ए से आर तक दुर्घटनाओं को वर्गीकृत किया गया है, परंतु उसमें आई और ओ को शामिल नहीं किया गया है। तो जब आई और ओ नहीं रहेगा, दो हट जाएगा 18 में से, तो 16 बचा ना, इसलिए 16 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों 16 कि सैंडल में प्रवेश करने वाली ट्रेन किस प्रकार की दुर्घटना है? दोस्तों ध्यान दीजिए, चाहे वो सैंडल में प्रवेश कर गई हो, चाहे वो खतरे के सिग्नल को पार कर गई हो, ठीक, कुछ हुआ तो नहीं है, परंतु ये खतरे का संकेत है, इसलिए इसको सांकेतिक दुर्घटना के श्रेणी में लाया जाता है, ये ठीक। कैसा? सांकेतिक दुर्घटना है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है कि डबल एग्जिट साइडिंग से MRV स्पेशल के लिए टर्निंग आउट टाइम क्या है? तो देखिए डबल निकास साइडिंग से MRV निकालने का, तो जब डबल निकास से होता है तो इसका टाइम है 15 मिनट, और सिंगल निकास से क्या होता है दोस्तों? 20 मिनट। तो देखिए डबल निकास से है इसलिए 15 मिनट है, लेकिन कुछ लोगों का सस्पेंस होगा कि इतना बड़ा जैसे कासगंज यार्ड है या बरेली सिटी है तो कैसे निकलेगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर रेलवे के दुर्घटना नियमावली के पेज नंबर 139 पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि डबल निकास से 15 मिनट, सिंगल निकास से 20 मिनट, परंतु ये काशीपुर पीलीभीत बरेली सिटी और कासगंज के लिए नहीं है, काशीपुर के लिए डबल निकास होते हुए भी 20 मिनट, पीलीभीत के लिए 25 मिनट, बरेली सिटी के लिए 30 मिनट और कासगंज के लिए भी 30 मिनट है, ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, खाली स्थान ART का दिन के समय में निकलने का समय क्या है? तो देखिए दोस्तों ART जब दिन के समय में निकलने का है 30 मिनट, और रात्रि के समय हो जाता है ये 45 मिनट। रात के समय कितना होता है? 45 मिनट, और दिन के समय कितना है? 30 मिनट। दोस्तों ध्यान रखें, अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? ARME कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ARME दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? ARME का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। ये दो प्रकार के होता है, ठीक, Scale 1 इक्विपमेंट और Scale 2 इक्विपमेंट। ये चैप्टर 7 के 702 में लिखा हुआ है कि ये दो प्रकार के होता है, Scale 1 इक्विपमेंट और Scale 2 इक्विपमेंट, ठीक। तो इसका सही आंसर हुआ 2। अगली प्रश्न इसी में अथवा में दिया हुआ है, राजभाषा का प्रश्न लिखा है, राजभाषा अधिनियम, ध्यान दे दोस्तों राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1963 में, इसलिए सही आंसर है 1963, परंतु कुछ लोग कहते थे कि 1965। तो देखिए 1965 में क्या हुआ है? 1965 में ये लागू हुआ है, पारित हो गया है यानी 1963 में, लागू कब हुआ है? 1965 में। और ध्यान दीजिए दोस्तों साथ साथ कि पारित हुआ 1963, लागू हुआ 1965 और संशोधन हुआ 1967 में। संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1967 में। क्या बताया दोस्तों? पारित हुआ 1963 में राजभाषा अधिनियम, लागू हुआ 1965 में और संशोधन हुआ 1967 में। 76 में कुछ नहीं, हाँ 1976 जो है इसमें तो राजभाषा नियम लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? राजभाषा नियम। इसी के हक में गलत से लोग, कुछ लोगों ने गलत प्रश्न कर चुके हैं, ठीक, क्योंकि लागू कब है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि लागू हुआ यानी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1963 में, लागू हुआ 1965 में और संशोधन हुआ 1967 में, 1976 में क्या हुआ? राजभाषा नियम बना था। क्या बना था? राजभाषा नियम, जिसमें कि कुल 12 नियम है। राजभाषा नियम में कुल कितने नियम है दोस्तों? 12 नियम है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, गंभीर दुर्घटना
के दौरान गार्ड की ड्यूटी। तो दोस्तों गंभीर दुर्घटना के दौरान गार्ड की ड्यूटी क्या होती है? ट्रेन या बाधा की रक्षा करे, सभी संबंधित दुर्घटनाओं का रिपोर्ट करे, यात्री की सहायता करे, ये सभी उनकी ड्यूटी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगली प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धारा है? 9। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 है कि इनमें कौन सा एक परिणामी दुर्घटना नहीं है? तो देखिए एवर्टेड टक्कर जो है, निवारित टक्कर, ये परिणामी दुर्घटना नहीं है। निवारित टक्कर जो एफ श्रेणी में आता है, तो ये एफ श्रेणी में आता है, ये परिणामी दुर्घटना नहीं है। और टक्कर जो है एक्सीडेंट, ये A1 से A4 श्रेणी में टक्कर आता है, ये निवारित दुर्घटना है। ठीक ना, किसमें आता है? A1 से A4 श्रेणी में। डिरेलमेंट D1 से D4 श्रेणी में आता है, ये परिणामी दुर्घटना है। आग जो है B1 से B4 श्रेणी में आता है, ये परिणामी दुर्घटना है। परिणामी दुर्घटना में टक्कर, डिरेलमेंट, आग, ठीक ना, अच्छा संपार, यानी ये सब परिणामी दुर्घटना में आता है। A1 से A4 में टक्कर होता है, ठीक, D1 से D4 डिरेलमेंट होता है, B1 से B4 आग बर्न वाला होता है, लेकिन 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 ये एवर्टेड टक्कर जो होता है, ये निवारित टक्कर, ये एफ श्रेणी की दुर्घटना है। अगली प्रश्न है दोस्तों यहीं पे अथवा में क्या है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों अभी इसमें 22 भाषा हो चुके हैं, ठीक, इसके पहले 18 थे, लेकिन 18 के बाद में जब इसमें बोडो, संथाली, डोगली और मैथिली जोड़ी गई, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई है? 2003 के बनबेवा संशोधन में जोड़ा गया है, परंतु जनवरी 2004 में लागू हुआ है। 2003 के बनबेवा संशोधन में जोड़ा गया है, परंतु लागू हुआ है जनवरी 2004 में। तो ये बनबेवा संशोधन में जब 18 में 4 जोड़ दिया गया, कौन कौन? बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, तो ये 22 हो गए हैं, ठीक। अगली प्रश्न है, सार्वजनिक समय सारणी की जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक, किसके लिए? तत्काल नियम उसमें रहता है कि वापसी नियम, रद्दकरण नियम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है? सार्वजनिक समय सारणी किसकी जानकारी देती है? ये सबकी जानकारी देती है, ठीक ना, तत्काल नियम का, वापसी नियम का, रद्दकरण नियम का। लेकिन इसी में है राजभाषा के प्रश्न कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1976 में पारित हुआ। इसमें कुल 12 नियम है। देखिए 1975 में क्या हुआ है, तो जून 1975 में केवल राजभाषा विभाग का गठन हुआ है। जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ है, ठीक ना। 1976 में जो है ये तो राजभाषा नियम बना है, ठीक। 1965 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था, 1963 में बना था, 65 में लागू हुआ था। अब देखिए 87 को यदि ऑप्शन माने कि 1987 में क्या हुआ था, तो राजभाषा अधिनियम का संशोधन 3 बार हुआ, एक बार 1987 में, दूसरा 2007 में और तीसरा 2011 में, ठीक। ध्यान रखें दोस्तों राजभाषा नियम कब बना? 1976 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाइम टेबल कितने वर्ष के लिए वैध होता है? तो दोस्तों टाइम टेबल मात्र और मात्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है। कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसके अथवा में प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा नियम कब संशोधित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1987, क्योंकि पहली संशोधन 1987 में हुई, दूसरी संशोधन 2007 में हुई और तीसरी संशोधन 2011 में हुई। अभी तक कुल मिला के राजभाषा नियम में 3 संशोधन हुआ, 1987, 2007, 2011, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि समय सारणी आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों में कितने कब जारी किया जाता है? प्रत्येक किस महीना में जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है? तो ये सामान्य स्थिति में जुलाई महीना में जारी कर दिया जाता है दोस्तों, जुलाई इसका सही आंसर है। और इसी के अथवा में है क्वेश्चन कि राजभाषा नियम के किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है? तो ये राजभाषा के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है, क्योंकि देखिए ए नंबर में है 4, ठीक ना। तो नियम 4 क्या कहता है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में होगा, नियम 4 कहता है। लेकिन नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दो।
और नियम 6 कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा। और नियम 9 कहता है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करना। तो यहाँ चुकी है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में, इसलिए 5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है कि समय सारणी किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों समय सारणी जो है ये सबके बारे में, ये जितने चीज लिखे हुए हैं इन सबका, यानी पर्यटन का भी जानकारी प्रदान करता है, ट्रेन के समय भी प्रदान करता है, रियायत भी प्रदान करता है जानकारी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगली प्रश्न है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि ऑप्शन को यदि देखें, यदि आप लोग इसको देखें कि गृह मंत्री कौन होता है, देखिए ग्रह मिसप्रिंट हुआ है, तो गृह मंत्री जो होते हैं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। रेल मंत्री कौन होता है, तो रेल मंत्री रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति तो भारत का प्रथम नागरिक होता है, और प्रधानमंत्री ये केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इसलिए ये सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, समय सारणी किसके लिए उपयोगी है, विदेशी के लिए कि भारतीय के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए या कोई नहीं। तो दोस्तों समय सारणी भारतीय को भी जानकारी देता है, विदेशी को भी बताता है, तो ये उपरोक्त दोनों के लिए है। इसी के अथवा में प्रश्न है दोस्तों कि मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों ये मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, इसलिए इसका अध्यक्ष है मंडल रेल प्रबंधक। अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 कि स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। तो दोस्तों स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी 200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 200 किलोमीटर। स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी 200 किलोमीटर जो कि रेल के तरफ से कम दिया गया है, परंतु ये 200 किलोमीटर इसका सही आंसर है। इसका अथवा में यदि देखा जाए, अथवा का प्रश्न है कि राजभाषा नियम के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र, परंतु इसमें तमिलनाडु को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसका सही आंसर है 3 क्षेत्रों में। अगली प्रश्न है दोस्तों कि रियायत दर का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक, रियायत दर का आकलन जो होता है वो मूल भाड़ा पे होता है। किस चीज पर रियायत मिलती है आपको छूट रिजर्वेशन करने में, जिनको रियायत मिलती है उनको मूल भाड़ा पे मिलती है। इसके अथवा में प्रश्न है कि राजभाषा नियम कुल कितने नियम है राजभाषा में। तो राजभाषा नियम में दोस्तों कुल 12 नियम है। कुल कितने नियम है, राजभाषा नियम जो 1976 में बना था, तो 1976 में बना था, इसका 3 बार संशोधन भी हुआ, 1987 में हुआ, 2007 में हुआ, 2011 में हुआ। ठीक, इनमें कुल 12 नियम है। 12वां नियम है अनुपालन का उत्तरदायित्व। ठीक, आज के इस वीडियो में इतना ही।